बिहार सरकार आमजनों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। राज्य सरकार के दावों का सुपौल के छातापुर पीएससी पोल खोल कर रही है। यहाँ पर दूर दराज से आने वाले मरीजों को एक्सरे के लिए भटकना पड़ता है। बाकी बुनियादी सुविधाओं के बारे में बात करना तो बेमानी सा है। दखलिए तो कहल के कि चेक करा के ले कर आवेल बाहर से। कहाँ दिखाए? वहाँ बाहर में। यहाँ पहले छातापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आए थे? हाँ, यहाँ पर। पुर्जा कहाँ बाहर से बोला कराने के लिए? नहीं, पुर्जा तो यहाँ से हम बनवा लिए थे। डॉक्टर कहाँ करवाए? बाहर में। यहाँ क्या बोला? यहाँ बोला नहीं हुआ, यहाँ से खराब है, दूसरा जगह बाहर से करवा लीजिए। अस्पताल में एक्सरे नहीं हुआ, बाहर से करवाना। बाहर छातापुर पीएससी में एक्सरे सुविधा नहीं रहने पर लोगों को निजी दुकानों का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां मरीजों को जमकर चूना लगाया जाता है। इस बाबत अस्पताल में पदस्थापित एक्सरे टेक्नीशियन का कहना है कि 1 जून से ही डेवलपर केमिकल खत्म है। स्वास्थ्य विभाग को मामले की सूचना दी गई है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं होने से एक्सरे बंद है। पैर में चोट था, ठीक है, यहाँ आए, पहले पर्ची लिखवाएं, डॉक्टर साहब से लिखवाएं, दवाई लिखा, उसके बाद एक्सरे लिखा है, और एक्सरे करवाने के लिए आए हैं तो बोलता है कि केमिकल खड़ा नहीं है। तो लगभग मैं 1 सप्ताह से केमिकल नहीं है बोल रहा है, 2-3 दिन घूर के गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और बाहर से करवाने के बाद 350-400 रुपया लगता है, गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ घोषणाओं से मरीजों को सुविधाएँ मिलेंगी या फिर सुविधा मुहैया भी करना सरकार और विभाग की जिम्मेदारी बनती है। डेवलपर के अभाव में एक्सरे कार्य बंद है। डेवलपर केमिकल सुपौल से आना है, अभी तक नहीं आया, आने के बाद फिर शुरू। कितने दिनों से बंद है? 3 तारीख से बंद है, 3 जून से। इसका शिकायत आप आगे इसका शिकायत किया गया है, वो 1 तारीख को ही प्रभारी को लिख के दिया गया, प्रभारी स्तर से जिला को लिख के दिया गया है, लेकिन अब तक सामान उपलब्ध नहीं हो सका है।